नमस्ते दोस्तों, फार्मानोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोग्नोसिस से नेक्स्ट टॉपिक लाए हैं, जिसका नाम है अमाइनो अल्कलॉइड्स। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो अमाइनो अल्कलॉइड्स को जानने के लिए इसमें कौन से ड्रग आते हैं वो देखना पड़ेगा। तो अमाइनो अल्कलॉइड्स को कैसे याद रखना है, तो इन अमाइनो अल्कलॉइड्स को बोलना है ऑल कमीनो। ठीक है, इसमें ये अमाइनो आ गया और ये अल्कलॉइड आ गया, तो अमाइनो अल्कलॉइड को कैसे याद रखना है ऑल कमीनो। और इसमें जो भी ड्रग आते हैं उनके लिए हम ट्रिक्स बनाते हैं। उसके लिए ट्रिक्स क्या बनेगा, उसके लिए बनेगा इफ एवर गोरी लीली कॉल ही कम। ठीक है, ये जो ऑल कमीनो है ना, ये कमीने लोग हैं, तो ऑल कमीनो को इफ एवर चाइनीज गोरी लीली है कोई, वो अगर कॉल करेगी देन ही विल केम। ठीक है, ट्रिक्स को समझ लिया। ऑल कमीनो को इफ एवर चाइनीज गोरी लीली कॉल देन ही विल केम। तो इतना वो कमीना है कि चाइनीज की कोई गोरी लीली है, अगर वो कॉल करती है तो ही वो आएगा, ऐसी ये ट्रिक्स है। तो चलिए दोस्तों, इसमें कौन से ड्रग छुपे हैं उनको हम डिकोड कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इफ एवर करके जो लिखा है ना, वो एक चाइनीज ड्रग है। तो इस चाइनीज ड्रग का नाम आपको याद रखना है, ये इफ से शुरू होगा, यानी ये क्या है, एफेड्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग कौन सा बनेगा, गोरी लीली से बनेगा। ये गोरी लीली से जो बनता है ना ड्रग, उसका नाम है ग्लोरियोसा, और ये गोरी लीली इसी का सिनोनिम भी है। तो ये गोरी ग्लोरी लीली बोलना है आपको, ग्लोरी लीली, तो ये इसका सिनोनिम भी हो गया। और यहाँ पे क्या है, कॉल ही कम, तो इसमें भी एक ड्रग छुपा है जो है कॉल्चिकम। तो हमने यहाँ पे सारे ड्रग को डिकोड कर लिया, तो आपको ये सारे ड्रग आसानी से याद रहे जाएंगे कि ये सब क्या है, अमाइनो अल्कलॉइड्स है। तो चलिए, इनके बायोलॉजिकल सोर्स और सभी फैमिली केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और इनके यूज़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एफेड्रा, इससे तो याद ही रखना है कि ये एक चाइनीज ड्रग है दोस्तों। और जब ये चाइनीज ड्रग है ना, तो इसका एक सिनोनिम भी आपको याद रखना है, इसका सिनोनिम है माहौंग करके आता है। ये जो माहौंग है ना, तो ये इसका सिनोनिम है, ये नाम से ही पता चलता है कि ये चाइनीज नाम है, तो आपको ये माहौंग अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं इसका बायोलॉजिकल सोर्स की तरफ। देखिए, अब ये चाइनीज ड्रग है तो इसके जो भी सोर्स है ना, उसके मैं पहले नाम लिख देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ एक एक करके ट्रिक्स वाइज। इसका पहला सोर्स लिखेंगे हम एफेड्रा जेरार्डियाना। ठीक है, अब देखो, चाइनीज जो है ना, हमारा क्या है, पड़ोसी कंट्री है, तो वो हमें क्या बोल रहा है, घरदार देना बोल रहा है। वो अरुणाचल प्रदेश की साइड से, उनको क्या बोल रहा है, घरदार देना। तो घरदार देना के लिए वो झगड़ा कर रहा है ना, तो ये घरदार देना से आपको याद रखना है, इसका सोर्स एफेड्रा जरार्डियाना। नेक्स्ट सोर्स है इसका, जैसे कि अभी मैंने कहा चाइनीज हमारा नेबर है, तो इसका दूसरा सोर्स होगा चाइनीज नेब्रोडेंसिस, तो हमारा नेबर कंट्री हो गया। नेक्स्ट इसके लिए सोर्स है एफेड्रा इक्विसेटिना, वो क्या बोल रहा है हमें, इक्वली सेटिंग कर लेंगे कुछ तो, ठीक है, पर कोई सेटिंग तो नहीं करता है।
नेक्स्ट चले गए, इसका नेक्स्ट सोर्स है एफेड्रा सिनिका करके आता है, तो इनसे हमारा हमेशा झगड़ा होता है। तो हमने क्या करके रखे, हमारे सैनिक बॉर्डर पे तैनात करके रखे। तो आपको ये चारों सोर्स अच्छे से याद हो चुके होंगे दोस्तों। चाइना हमें क्या बोल रहा है, घरदार देना, तो वो हमारा एक नेबर कंट्री है, इक्वली सेटिंग करने का बात कर रहा है, लेकिन कभी करता नहीं है, तो हमने हमारे सैनिक बॉर्डर पे तैनात करके रख दिए हैं। तो ये सभी हुआ बायोलॉजिकल सोर्स फॉर एफेड्रा के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इस चलते हैं कि इसकी फैमिली क्या है उसे पता लगाते हैं। तो देखिए इसके नाम से ही इसकी फैमिली होती है एफेड्रा, एफेड्रा की फैमिली हुई एफेड्रासी, एफेड्रासी करके इसकी फैमिली होती है। और इसकी और एक फैमिली होती है वो भी हम आपको बता दें, वो होती है नेटासी, ठीक है। तो ये ग्नेटासी को कैसे याद रखना है, ये ग्नेटासी को आप गणितासी पढ़ सकते हो, गणित गणित के नाम से होता है ना गणितासी, तो ये गणित हो गया। तो देखिए अबैकस एक सिस्टम होती है जिसे हम चाइना से आई ऐसा देख बोलेंगे, अबैकस की जो सिस्टम है चाइना से आई, तो इसके लिए इसका नाम गणित से आया है। इसकी फैमिली क्या हुई, ग्नेटासी, गणितासी करके आप इसे याद रखना। एफेड्रासी जो चाइनीज ड्रग है वो उसका गणित का सिस्टम अब्याकस है, तो अब्याकस से गणित आया, गणित से इसकी फैमिली बनी गणितासी, तो ग्नेटासी फैमिली भी आपको याद हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये एफेड्रा में है ना सनकन का टाइप का स्टोमेटा भी होता है, तो ये स्टोमेटा को भी आपको याद रखना है। ये भी पूछते, देखो ये सनकन जो है ना चाइनीज नाम के जैसा है, जैसे भी बर्तन गिरते हैं ना घर में तो जैसा आवाज आता है उसी टाइप में उन लोगों के नाम होते हैं, छुन छुन करके जब भी कुछ चमचा वमचा गिरेगा तो वैसे नाम रख देते हैं। तो ये सनकन टाइप का जो स्टोमेटा है वो एफेड्रा में है, चाइनीज ड्रग में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट तो आपको पता ही है, इसमें एफिड्रिन होता है, नॉरएफिड्रिन होता है, ठीक है। तो पर उसके यूज़ के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे ये माहंग है ना, ये माहंग इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। हम जब भी माँ को हक करते हैं तो क्या होता है, हमारा सिंपैथी बढ़ जाता है, तो ये क्या है, एक सिंपैथो माइमेटिक करके काम करेगा। हमारे जो भी सिंपैथी है वो बढ़ जाती है ना माँ के लिए, अगर हम माँ को हक करेंगे तो हमारी सिंपैथी बढ़ जाएगी, तो सिंपैथो माइमेटिक हुआ। तो ये जो माँ को हक करना है ना, तो ऐसा समझिए कि माँ को अस्थमा है, तो ये अस्थमा के लिए भी काम करता है एज अ ब्रोंको डायलेटर। ये ब्रोंको डायलेटर है, वो हमारे माँ को जो अस्थमा है उसको भी ठीक कर देगा, तो ये अस्थमा में भी यूज होता है एज अ ब्रोंको डायलेटर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एफेड्रा जो है वो हे फेवर में भी यूज़ होता है, हे फेवर करके। तो हमने अभी ट्रिक्स में जो पढ़ा इफ़ एवर करके, इफ़ एवर से आप हे फेवर को याद रख लेना, इफ़ एवर चाइनीज गोरी लीली कॉल ही कम, तो इफ़ एवर जो चाइनीज़ है तो इफ़ एवर चाइनीज का जो एफेड्रा ड्रग है तो वो हे फेवर में यूज़ होता है। तो आपको ये एफेड्रा के लिए पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है, ठीक है। तो आपको एफेड्रा ड्रग बिल्कुल आसान लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट ड्रग के लिए चलते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ड्रग है हमारा गोरी लीली, तो गोरी लीली से ग्लोरियोसा पढ़ना है। देखिए इसका जो जीन्स है ना वो अलग होता है, जैसे ये कॉल्चिसिन इसमें भी होता है, कॉल्चिकम में भी जीन कॉल्चिसिन होता है, इसमें भी कॉल्चिसिन होता है, तो वो भी देख लेते कि ऐसे अलग जीन्स के कौन से ड्रग है जिनमें कॉल्चिसिन पाया जाता है, पहले वो देख लेते फिर ग्लोरियोसा के ड्रग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एक ड्रग करके आता है डिपीडैक्स करके आएगा, नेक्स्ट आता है एंड्रोसिबम करके आता है, नेक्स्ट आता है कैम्टो राइजा करके आता है,
ठीक है, एक एक करके समझेंगे हम। और हमारा जो अभी चल रहा है वो ग्लोरियोसा करके एक ड्रग आता है। ये चार ड्रग ऐसे हैं अलग जीन्स के जिनमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट होता है। इन सभी में क्या है, कॉल्चिसिन प्रेजेंट है, कॉल्चिसिन इन सभी में प्रेजेंट है। तो देखिए ये कॉल्चिसिन को आप ये कॉल से याद रखना कि ये कोई फोन है, कॉल आ रहा है ना, तो ये कोई फोन होगा, तो फोन है तो डीपी, डीपी डैक्स में जो भी डीपी रखना है वो तो हम फोन में रखते हैं, तो डीपी डैक्स भी याद रह जाएगा आपको कॉल्चिसिन के लिए। फिर ये देखिए एंड्रो, एंड्रोसिबम है ना, जो एंड्रॉयड फोन आ रहे हैं आजकल, तो वो भी फोन से रिलेट कर दीजिएगा, ये कॉल से रिलेट हो गया एंड्रॉयड, तो इसमें भी कॉल्चिसिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कैम्पटोराइजा, अगर तुम कैंपर जा रहे हो तो कॉल कर देना, इसमें भी कॉल्चिसिन आएगा। और नेक्स्ट है ग्लोरियोसा जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, उसमें भी कॉल्चिसिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लोरीला, गोरीला करके ग्लास आता है मोबाइल के लिए, तो वो फोन के लिए ग्लास आएगा गोरीला, तो उससे याद रख लेना, इसमें भी कॉल्चिसिन प्रेजेंट है। तो चलिए हमारे मेन ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, ग्लोरियोसा के बारे में। ठीक है, चलिए इसका बायोलॉजिकल सोर्स मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लोरियोसा है ना उसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है ग्लोरियोसा सुपरबा। ये बहुत सुपर है मंकीज में, गोरिला बहुत सुपर आता है ना मंकी, तो इसलिए इसका सोर्स हो गया ग्लोरियोसा सुपरबा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी फैमिली चलते हैं, तो हमें पता है इसका सिनोनिम क्या है ग्लोरियोसा का, ग्लोरी लीली, तो लीली से इसकी फैमिली बनी लीलियासी, तो ये भी आपको याद हो गया। ठीक है, या फिर यहाँ से याद रखिए कॉल्चिसिन प्रेजेंट है तो यल से बन गया लीलियासी, तो लीलियासी आपको याद हो गया। और इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है कॉल्चिसिन, तो वो जो कॉल्चिसिन होता है ना, ये जो कॉल्चिसिन है ना, तो इसका यूज़ क्या होता है, ये एंटी गॉट ड्रग है, गॉट में यूज़ होता है। गॉट डिसीज़ क्या होता है, यूरिक एसिड डिपोजिशन होता है जॉइंट्स में, तो बहुत पेन होने लगता है, तो उसे गॉट डिसीज़ बोलेंगे, तो ये एंटी गॉट ड्रग करके आता है कॉल्चिसिन। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि नेचुरली ऑब्टेन ड्रग विच इज यूज इन द गॉट डिसीज, वो है कॉल्चिसिन। नेक्स्ट ड्रग की तरफ बढ़ते हैं हमारे, अभी आपको ये याद हो चुका होगा। नेक्स्ट ड्रग है कॉल्चिकम, कॉल ही कम, कॉल्ची कम। ठीक है, तो इसके हम पहले बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं कि इसके लिए क्या बायोलॉजिकल सोर्स है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है कॉल्चिकम ऑटोमनाले। ठीक है, देखिए अगर वो कॉल करने के बाद ही कम है ना, जब भी ग्लोरी लीली कॉल कॉल करेगी तो ही कम, वो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, पर वो एटो में बैठ कर आ रहा है, एटो में बैठ कर आ रहा है, तो इसका सोर्स क्या हुआ, कॉल्चिकम एटोमनाले, क्योंकि वो एटो में आ रहा है, कॉल ही कम इन एटोमनाले, तो एटो में आ रहा है। तो चलिए इसका फैमिली भी देख लेते, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसे कॉल किया है किसने, गोरी लीली ने, तो लीली से बन गया लीलियासी। या फिर मैंने अभी आपको कहा ये कॉल्ची कम है कॉल्चिसिन है, तो यल है तो लीलियासी है, ये लीलियासी इसका फैमिली बन चुका। ठीक है, तो आपको फैमिली भी याद हो गया होगा। तो अभी हम देखते हैं इसका ये जो सिनोनिम आता है ना, वो सिनोनिम के बारे में देखते हैं। तो इसका जो सिनोनिम आता है वो आता है ऑटोमन क्रोकस करके आता है, ऑटोमन क्रोकस। तो देखिए ये इसका सिनोनिम है ऑटोमन क्रोकस। हम ये क्रोकस ड्रग अलग आता है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम अभी, तो पहले इस ड्रग को ख़त्म करेंगे, फिर क्रोकस जो अलग ड्रग आता है उसके बारे में भी चर्चा। ये ऑटोमन क्रोकस अलग है और क्रोकस अलग होता है। ठीक है, इसका दूसरा सिनोनिम आता है
मिडो, सैफ्रॉन, ये इसका दूसरा सिनोनिम है मिडो सैफ्रॉन करके। तो जब एटो में आ रहा है तो मिडवे, मिडवे का सफर है ना, मिडवे सफर कर रहा है, मतलब ज्यादा तो लंबा नहीं है, बस मिडवे है, थोड़ा सा ही सफर है उसका, सफर से सैफ्रॉन और मिडवे, क्योंकि ये जो सैफ्रॉन है ना वो सिनोनिम क्रोकस का होता है, सिर्फ क्रोकस पूछेगा और उसका सिनोनिम पूछेगा तो सैफ्रॉन लिखना है, ठीक है। और अगर ऑटोमन क्रोकस है तो वो कॉल्चिकम हो गया, और ऑटोमन क्रोकस का सिनोनिम हो गया मिडवे सफर, तो यानी कि मिडो सैफ्रॉन, तो इसे भूलना नहीं है आपने, ठीक है। ये क्रोकस के बारे में अभी चर्चा करेंगे हम, और इसके अभी केमिकल कंस्टिट्यूएंट देख लेना है। कॉल्चिकम में होता है कॉल्चिसिन, और इसमें होता है डिमे कॉल्सिन, तो ये दो इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो गए। और ये कॉल्चिसिन एंटीगॉट है, तो ये कॉल्चिकम जो हुआ वो एंटीगॉट ड्रग हो गया, ठीक है। तो आपको ये कॉल्चिकम भी समझ में आया होगा। तो अभी ये थोड़ा क्रोकस के बारे में भी देख लेते हैं, यहाँ नीचे देखेंगे हम क्रोकस। ये जो क्रोकस है ना, ये क्रोकस होता है, एक टर्पेनॉइड ड्रग है ये, इसे बाद में देखेंगे हम जब टर्पेनॉइड पढ़ेंगे। तो क्रोकस एक टर्पेनॉइड है जिसका सिनोनिम क्या है, सिर्फ सैफ्रॉन होता है, ये केसर होता है ना, वो केसर को कहा जाता है ये सैफ्रॉन क्रोकस। तो इसे सिर्फ क्रोकस यानी कि सिर्फ सैफ्रॉन कहना है, और जो कॉल्चिकम है वो आटो, आटो में है ना, तो कॉल्चिकम के लिए ऑटोमन क्रोकस बोलना है, और सैफ्रॉन बोलते हो क्या बोलोगे, मिडवे सफर है, कॉल्चिकम मिडवे सफर यानी कि मिडो सैफ्रॉन, वो कॉल्चिकम के सिनोनिम हो गए, और क्रोकस के लिए सिर्फ और सिर्फ सैफ्रॉन ही लिखना है। और देखिए इसमें इसकी जो फैमिली है ना वो है इरिडेसी करके, ठीक है। तो इसे याद कैसे कर रहे हो, हाँ आई रीड क्रोकस या सफर अच्छे से, आई रीड अच्छे से, मैंने क्रोकस को अच्छे से पढ़ लिया है, आई रीड यानी कि इसमें जो भी कन्फ्यूजन है वो अब मुझे नहीं होगा, आई रीड क्रोकस अच्छे से, मैंने क्रोकस को अच्छे से रीड कर लिया है, ठीक है। और इसका जो एक यूज भी होता है, मतलब ये जो है ना इसको जो और एक सिनोनिम है इसका, उसको हे सैफ्रॉन भी बोलते हैं, हे सैफ्रॉन इसका ये दूसरा सिनोनिम है, एक सैफ्रॉन है या फिर हे सैफ्रॉन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ कन्फ्यूज मत होना, हे फेवर पूछेगा तो ई फेवर से चाइनीज है, तो ये तो एफेड्रा का यूज हो गया हे फेवर में, और ये हे सैफ्रॉन है, ये क्रोकस का सिनोनिम है, और ये सिर्फ सैफ्रॉन है तो क्रोकस का सिनोनिम है, और मिडो सैफ्रॉन है तो कॉल्चिकम का सिनोनिम होगा, ठीक है। तो ये कॉल्चिकम के साथ कन्फ्यूज मत कर देना, और ये एफेड्रा के साथ कन्फ्यूज मत कर देना, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना, तो आपको ये अमाइनो अल्केलाइड्स भी अच्छे से याद हो चुके होंगे, यही आशा करते हैं। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको यहाँ पे, ये अमाइनो अल्केलाइड्स को प्रोटो अल्केलाइड्स भी बोलते हैं, प्रोटो अल्केलाइड्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको ये सब अच्छा सा नॉलेज आ चुका होगा, यही आशा करते हैं। और अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट ज़रूर करते जाइएगा, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत प्रेशियस होते हैं, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे वीडियो हम आपके लिए और भी लेके आएंगे, और सारे सब्जेक्ट्स में से लेके आएंगे, तो तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखना। बस इतना ही कहूँगा कि कोशिश जालिम रख प्यारे, आगे रब की मंजूर मर्जी, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।